ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। खबर कानपुर से है, जहां कानपुर की सीसा मऊ सीट से सपा के निवर्तमान विधायक इरफान सोलंकी को बड़ी राहत मिली है। जी हां, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इरफान सोलंकी की जमानत मंजूर कर ली है। हालांकि हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से मिली सजा पर रोक नहीं लगाई है, यानी उनकी विधायकी बहाल नहीं होगी। इस फैसले के साथ ही कानपुर की सीसा मऊ सीट पर उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है, जहां 20 नवंबर की तय तारीख पर उपचुनाव होगा। जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस सुरेंद्र सिंह की डिवीजन बेंच ने यह फैसला सुनाया है। बता दें, इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने 8 नवंबर को अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया था। कानपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने इसी साल 7 जून को समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी समेत कई लोगों को दोषी ठहराते हुए सजा का ऐलान किया था। विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी को 7 साल की सजा सुनाई गई थी। सोलंकी ब्रदर्स को एक महिला के घर आगजनी करने के मामले में दोषी ठहराकर सजा सुनाई गई थी। 7 साल की सजा होने की वजह से इरफान सोलंकी की विधानसभा की सदस्यता निरस्त हो गई थी। इरफान सोलंकी ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अपील में अदालत का अंतिम फैसला आने तक ट्रायल कोर्ट के फैसले पर रोक लगाए जाने और जमानत दिए जाने की गुहार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में पिछले महीने इलाहाबाद हाईकोर्ट को 10 दिनों में सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाने को कहा था। इस मामले में यूपी सरकार ने भी हाईकोर्ट में गवर्नमेंट अपील दाखिल की थी। मेरे अल्लाह का बहुत शुक्र एहसान है, बहुत बड़ी नियामत मिली आज हम लोगों को, हमारे परिवार को। एक बहुत अच्छा मैसेज है ये, हमारे चुनाव में एक बहुत अच्छा इस पे पॉजिटिव बहुत अच्छा एक मैसेज मिलेगा इंशाल्लाह से। बहुत उत्साह बढ़ गया है, बहुत खुश है, सब लोगों के सुबह से फोन आ रहे हैं, हम लोग में और ज्यादा इस लड़ाई को लड़ने के और ज्यादा एक्साइटमेंट और उत्साह बढ़ गया हम लोगों का। नहीं, बात नहीं हुई है, बात नहीं हुई, अभी चुनाव के बाद जाएंगे, 20 के बाद जाएंगे। जी, क्या पूरा मामला था और आज कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है? देखिए, इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी और कुछ अन्य लोगों को 7 साल की सजा वहाँ की ट्रायल कोर्ट ने दी थी आगजनी के एक मामले में, जिसमें हम लोगों ने अपील दाखिल की थी और अपील के साथ एक अंतरिम प्रार्थना पत्र दिया था कि उसमें सजा को स्थगित कर दिया जाए और इनका जमानत दे दी जाए। ऑनरेबल कोर्ट का आज फैसला आया, जमानत तो मंजूर कर ली दोनों लोगों की ऑनरेबल कोर्ट ने, लेकिन सजा स्थगित किए जाने की प्रार्थना हमारी स्वीकार नहीं हुई है, जिसकी वजह से उसका प्रभाव ये होगा कि फिलहाल सदस्यता उनकी बहाल नहीं होगी। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा चुनाव पर? चुनाव जो चल रहा है वो तो अभी चलेगा जब तक कि सर्वोच्च न्यायालय या किसी अन्य सर्वोच्च न्यायालय के अलावा कोई विकल्प भी नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय से जब तक कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं होता है तब तक चुनाव पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आप लोगों की तरफ से मुख्य रूप से क्या दलील दी गई थी? हमारी तरफ से मुख्य दलील ये थी कि इस घटना का कोई चश्मदीद साक्षी नहीं है, परिस्थितियों के आधार पे इनमें दोष मुलजिम बनाया गया है और जो भी गवाह आए हैं सब कहे हम घटनास्थल पर बाद में पहुंचे हैं, इसलिए न तो कोई डायरेक्ट एविडेंस है न कोई इनडायरेक्ट एविडेंस है, मुख्य तर्क ये था। अच्छा, इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की भी एक अपील दाखिल है, उसमें क्या हुआ? उत्तर प्रदेश की सरकार की जो अपील थी उस पर अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है, उसकी सुनवाई बाद में होगी। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता भरत पांडे की रिपोर्ट। इरफान सोलंकी की अपील में जहां सजा को रद्द किए जाने की गुहार लगाई गई थी, वहीं यूपी सरकार की अपील में 7 साल की सजा को बढ़ाकर उम्र कैद में तब्दील किए जाने की मांग की गई थी। हालांकि सरकार की अपील पर कोर्ट की सजा बढ़ाने का कोई फैसला नहीं दिया है। जमानत मिलने के बाद भी इरफान सोलंकी जेल से बाहर नहीं आ सकेगा। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।